नमस्कार मु सोनाली एलआरएनआर क्लासेस को आपण मानको वेलकम करछि। 10th क्लास पिला माने आज आमे हिंदी बहीर चैप्टर 1 रो पार्ट 3 माने 3 नंबर दोहा पढिबा। एटा को लेखि छथि तुलसीदास। तो तुलसीदास को जन्म हेतिला 1532 मसीहा रे। से जन्म रोही निज पितामाता को हरै देथिले एवं बिना पितामाता को द्वारा से बहुत ही कष्ट रे छोटो रो बड़ो हेथिले। तांकर गुरु जी नरहरि दास तांको बहुत ही सहाय्य करथिले तांको जीवन रे। एवं से परवर्ती समय रे कोन हेथिले जने साधु होई जाइथिले। से जने राम भक्त थिले। से ब्रज भाषा एवं अवधि भाषा रे जति भी सब दोहा हो कविता हो से सब को लेखु थिले। तो तांको द्वारा लिखित गुटी दोहा आज आमे पढिबा एवं से कोन कहिबा को चाहि छेंदी दोहा माध्यम रे सेरा को बुझिबा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुआरे, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो फर्स्ट लाइन रे कौन कहा जाए छे तुलसीदास कहो चंदी जे अमन जेते बले कथा कही थांदी माने हम वचन किंबा बाणी दुई प्रकार रे रहिथाय। गोटे होची मीठा बाणी आ गोटे होची कठोर बाणी। तो जो मीठा बाणी सेटा कौन करथाय चारियाडे खुशी किंबा सुख तैयारी करथाय किंबा समस्त मन में खुशी आनी दे था। परवर्त समय आम जो कठोर वचन कही था से समस्त दुख होता है समस्त आम ठार दूर को चली जाए था। तो जो मीठा वचन किंवा आम जो कथा कही था भल कथा से कौन ये तुलसीदास वशीकरण मंत्र सहित तुलना कर ता माने आमे जदि भल भाबरे कथा कहिबा पूरा मीठा मीठा बाणी आम मुहर बाहरबो ताहाले आमे कहा को भी निज बसरे करके रखि परिबा। तो तमने देखो जदि जणे आमे संगे भल व्यवहार करछि सब बेला आमे संगे भलरे कथाबार्ता होछि तो आपे आपे आमे ता आडको टाणी हिकि जाइथांदि किबा ता सहित बंधुता रखिथांदि हं कि नै। तो जेतेबेले जणे कठोर वचन कहिताय सेतेबेले कोन आमको इच्छा होय ताडो दूर को चली जेबा पई। तो ये कवि कहार मानी ही यहाँ हूँ जे सब बड़े कौन करते भी मुह खोल मीठा वचन ही कह कारण मीठा वचन हूँ वशीकरण मंत्र यहाँ तुम्हें चारिड़े खुशी बांटी पार समस्त खुशी से रहीपर एवं कठोर वचन कहवा द्वारा समस्त आम ठार दूर को चली जाती बहुत कष्ट थाए। तेणु कठोर वचन को छाड़ी सबुबले मीठा वचन कुह एवं समस्त को निजर बसरे किंवा निज पाखरे निज बंधु भावरे समस्त को निजे पाखरे रखिके चारियाडे खुशी बांट। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन मने गाय रूपक धन गजधन मने हाथी एवं बाजीधन माने घोड़ा रतन धन धन संपत्ति। जदि जड़े मनीष पाखरे गाई हाथी घोड़ा पैसा धन संपत्ति टंका रूपा सुना मोती माणिक सबकि भर्ती होके अच्छी बुझा पड़ा सबु रूपक धन गोटे व्यक्ति पाखरे अच्छी किंतु ता मनरे शांति नहीं ताहले भी एत सब धन थे भी सी कौन के खुशी से रहीपर कि केबे भी रही पारिबोनी कारण ता मन भितर शांति नहीं से सब बेले अशांति अच्छी। तो आम पाखे जिते भी धन था संतोष रूपक धन शांति जदि आम पाखे न रहिबो आमे कौनसी भी खुशी को अनुभव करें सब बेले चिंतार रहिबा जिते धन संपत्ति जिते कि आमको केबे भी भल लगे कारण मन भितर तो चिंता रही। तो ये कवि यहाँ ही कहते जदि मन भितर आम शांति ना तो केते भी धन संपत्ति टंका पैसा जहाँ कि भी पलि आस आम पाखक आम के भी खुशी से रहीपर ना। शांति रूपक धन सामने सबू धन संपत्ति हूँ तुच्छ किंबा धूली समान। जदि आम पाखे शांति अच्छी ता सहित तो सब धन संपत्ति भी अच्छी तेल आम खुशी से रहीपर जदि आम पाखे किसी भी धन संपत्ति ना आम कम करम करपर भाव खाई बचुंट से ही समय जदि आम मन भितर शांति अच्छी तेल आम से अल्प धन संपत्ति कि अल्प पैसा बहुत ही खुशी से आम रहीपर जदि बहुत सारा धन संपत्ति अच्छी कि मन भितर शांति ना तो आम दुखरे ही रहा कम पैसा थाउ कि तापरे मध्ये मनरे शांति थाउ ताहले भी आमे खुशी रे आम जीवन को बंची पारिबा बुझा पड़ा।
तो सेकेंड लाइन रे कवि एटा कहउछंती जे जदी आम पाखरे शांति अच्छी आम मन रे संतोष अच्छी ताले जेते भी धन संपत्ति थाउ ना काहे कि सेही संतोष सामना रे सब धन संपत्ति धूली समान जदी आम पाखरे धन संपत्ति अच्छी मन भितरे शांति नाही ताले आम केबे भी खुशी रे रहि परबा नाही। रोशन रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी सुनत मधुर परिणाम हित बोलिय बचन विचारी। रोशन रसना खोलिए, रोष माने कौन राग किंबा क्रोध, रसना माने जीभ, आम कथा कहबार किए साहय करता आम जीभ। तो रोष माने क्रोध, क्रोध समय रे केबे भी निज जीभ किंबा निज पाटी को खोलिबनि, कारण आम जितेबले रागिकी थांती सेतेबले आम कौन अन्य जन को माने आमको इच्छा नथिले भी आम क्रोध रे माने कटु वचन ही कही था कठोर हो जाए था हाँ कि नहीं। आम जो रागिकी था खुशी से कौन का कि ना तो से कवि कहते जदि आम रागिकी अच्छा तेल से ही समय आमको चुप रहा दरकार राग समय कि रागरे समय के किसी कहना कारण जो तरवारी माने तलवार तलवार जोबाला आमको किए मारी थाए आम शरीर उपर चोट लगी थाए शरीर को आमर कौन है कष्ट होता है। तो से जो तलवार कष्टु भी आम जो जन को रागिकी कि कहते से ही वचन आमर तार मन को तार हृदय को आघात दे थाए तो शरीर कष्ट अपेक्षा मनर कष्ट आ बहुत अधिका होता है शरीर कष्ट कि शरीर जो घा होता है चिन्ह होता है से बहुत जल्दी सुखी जाए कि मनर जितेबाला क्षत होता है मनरे जो कष्ट से भूलवापी कि क्षत सुखापी बहुत समय लग जाए इत कवि कहते जोबले आम भल वचन कही था मीठा कथा कही था से समस्त भल लगी था क्रोध समय तो आम ये आशा भी करें रागिकी जन को मीठा वचन कही पार तेणु क्रोध समय के निजर मुह खोल ना किंबा सामने जी आमर थाउचे ताहाको केबे किछ कहिबो नाही जहाँ भी कहबार थिबा आमर जेतले राग कमी जिवो किंबा राग शांत होबो सही समय रे कहिबा दरकार जदि आमको राग रे मुह खोलिबा ठारु एटी कवि कहिछन्ती राग रे मुह खोलिके काहाको किछ कहिबा अपेक्षा ता तुलना रे तमे गोटे तलवार नेकी ताको क्षत पहुँचे देबो सेइटा आउरी भलो बुझा पड़ुछ। तो एथिर तमे जानि पारथु आम वचन केते हानिकारक जितेबले आम भल कथा कही था से समस्त को बहुत भल लगी था जितेबले आम रागिकी कठोर कि समस्त को आघात दे था तेणु किसी भी कहवा पूर्वर सब बेले भाभी चिंती किंबा ये कमी विचार करवाई कवि कही कारण जितेबले आम कि कहीदे था से कथाटा को आम पुणि थे फेरे नहीं पारती ना आम जन को जदि गोटे कथा कही दौंत तो मनरे से रही जाए थे कि खराब लगी थाएं आम पुणी थे केम कथा को फेरेक नहीं पारा ना जहाँ आम मुखर थे बाहरी गला से ही कथी बाहरी ही जाऊँगी आम कौन जिनस को लिखि दौंटा को आम पुणी थे लिभे पार्टी कितु आम जब कथा थे कहीदे क्या से पुणी थे फेरेक नहीं पारा ना से कवि कहते रागि समय चिंता करी विचार करी कथा कह नौन ही रहिबो कारण रागरे आमे कहा को केबे मध्यो मीठा वचन कही पारिबा नाही एवं मीठा वचन ही हेउची गुटी एमिति कथा जहाँ द्वारा आमे समस्त खुशी दे पारिबा एवं समस्त को आमर बसरे रखी पारिबा किंबा समस्त को आमे आमर बंधु करी पारिबा बुझा पड़ा। तो दोहाटी आम पढ़िले बुझिले तुलसीदास कौन कहवापी चाहते सीठ आमको वचन विषय बुझे मनर शांति विषय बुझे तो पूरा दोहाटा की आम बुझीगले दोहार कि कठिन शब्द और तार अर्थ ओडिया जाणिन मिठे माने मधुर किंबा मीठा वचन विषय कह वचन कथा किंबा बाणी ते ताहा द्वारा किंबा कहा द्वारा भी उपजित जन्म हवा किंबा किछि आरंभ हवा सृष्टि हवा चहूँ और चारिपाखरे परिहरु परित्याग करिबा कठोर दृढ़ किंबा कड़ा गोधन गाई रूपक धन गज हाथी बाजी घोड़ा खान माने भंडार आवे आसीबा
धूरी माने धूली, रोष क्रोध किंबा राग, रसना रसना माने जीभ, हित भल पाई, विचारी विचार करी किंबा भाभी चिंती। बुझा पड़ेगा तो विषय आमर ये सरला। ए विषय एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर नोट्स यह सहित तुम बहर अनुशीलन प्रश्न उत्तर एलआरएनआर आप्रे अपडेट अच्छे। एलआरएनआर आप्रे तुमको सबकि मिल जाव। जदि किसी भी बुझे कष्ट होउछि ताहाले कमेंट सेक्शन रे जाना।